कोडरमा के चंदवारा के पूर्णा धाम में तालाब में डूबने से तीन बच्चे की मौत हो गई है। तीनों बच्चे तालाब में नहाने के लिए गए हुए थे, उसी दौरान तीनों बच्चे पानी में समा गए। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों बच्चों का शव बाहर निकाला जा सका है। तीनों बच्चों में एक बच्चा जयपुर से शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया हुआ था। इधर घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। डूबने वालों में 12 वर्षीय शहनवाज और दूसरा 18 वर्षीय सोहेल अंसारी, जो जयपुर से अपने नानी के घर पर शादी में शामिल होने के लिए आया था। देर रात घटनास्थल पर चंदवारा प्रखंड के सीओ भी पहुंचे और परिजनों से घटना की जानकारी ली। शाम को बोला कि वो लोग किधर गया है, अभी तक आया नहीं, तो हम आए इधर तो देखे सकिन यहाँ पड़ा, तो फिर देखे इधर कपड़ा वपड़ा सब यहीं बोले नहीं है। अचानक से निकले हैं, बोले बच्चे बच्चे में से सुनने में आया है कि चलो फ्रेंड खाने जामुन खाने के लिए जाएंगे। इसी वजह से मालूम नहीं पड़ा। कल हमारे घर में शादी थी तो सब घर में बिजी थे। सूचना मिला है यहाँ पर तीन बच्चे डूब गए हैं, तो अभी आए हैं स्पॉट पर देखने। अभी तो आए हैं कि पता चला कि वे 200 निकले हैं और 160 नहीं निकल रहा है, तभी हम तमाम जानकारी के लिए कोडरमा से आर्यन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर्यन, तीन बच्चे डूबे हुए हैं, फिलहाल दो के शव निकाल लिए गए हैं, अब तक की क्या कुछ अपडेट है, क्या तीसरा बच्चे का भी कुछ पता चल पाया है? जी बिल्कुल, देखिए ये चंदवारा थाना क्षेत्र की घटना है। चंदवारा थाना क्षेत्र का पूर्णा थाम का ये इलाका है जहाँ पर एक तालाब है जो की जहाँ पहुँचना भी काफी कठिन है। जब पुलिस की टीम पहुंची थी या फिर मीडिया की टीम पहुंची थी तो गाड़ी जो है वो खड़ा करने के बाद बिना बाइक से भी उस स्थान पर जाया नहीं जा सकता है। पता नहीं किस तरीके से ये तीनों बच्चे वहां पहुंचे थे। देर शाम जब लोगों ने देखा था तो घर वालों को सूचना दी थी कि बच्चों को तालाब की तरफ जाते हुए देखा गया है। उसके बाद जब देर रात तक बच्चे घर नहीं लौटे थे तब परिजन जो है वो तालाब की तरफ गए थे, तो वहां पे देखा गया कि बच्चों का कपड़ा और चप्पल जो है वो तालाब के ठीक बाहर में पड़ा हुआ था। उसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से जब तलाश की गई पानी में तो दो शव जो है वो निकाल लिए गए थे रात में ही। उसके बाद अभी जो तीसरा शव है बच्चे का वो आज सवेरे निकाला गया है। देर रात डीएसपी कोडरमा के और सीओ और पुलिस बल के जवान रात भर वहां मौजूद रहे थे घटनास्थल पर। और जिस जगह पर ये घटनास्थल है वो काफी इंटीरियर इलाका है, चंदवारा के पूर्णा थाम से भी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये तालाब है जहां पर ये बच्चे नहाने के लिए गए थे। उसमें ये बताया जा रहा है कि जयपुर से शादी समारोह में शामिल होने के लिए एक बच्चा यहाँ नानी के घर पहुंचा था, जिसके बाद तीनों बच्चे आपस में रिश्तेदार हैं और घूमते हुए जामुन खाने के लिए तीनों बच्चे ये कहकर गए थे कि हम उधर खेतों की तरफ जा रहे हैं, जिसके बाद ये बच्चे वहां नहाने के लिए चप्पल और कपड़ों को उतार कर तालाब में घुस गए, जिसके बाद अत्यधिक गहराई होने की वजह से चूंकि बारिश काफी हुई है इसकी वजह से नदी तालाब जो है वो भर गए हैं, जिसके बाद ये तीनों बच्चे उसमें उतरे थे नहाने के लिए और तीनों की डूबने से मौत हो गई है। जी नजर बनाए रखिएगा आर्यन, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।